वेरी वेरी वेलकम टू आवर चैनल क्रिकेट लवर। आज हम बात करने वाले हैं इरफान पठान के फुल आईपीएल करियर के बारे में। इरफान पठान एक बेहतरीन ऑलराउंडर है जिन्होंने आईपीएल में 2008 से 2017 तक खेलते हुए किंग्स इलेवन पंजाब, दिल्ली डेयरडेविल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग, राइजिंग पुणे सुपर जायंट, गुजरात लायंस का हिस्सा रहे हैं। आईपीएल के पहले सीजन 2008 में किंग्स इलेवन पंजाब के लिए डेब्यू करते हुए इरफान पठान ने 14 मैचेस में 131 रन बनाए थे जिसमें उनका हाई स्कोर 40 था और उन्होंने 9-4 और 6-6 हिट किए थे। गेंदबाजी में 6.60 के इकोनॉमी से 15 विकेट्स लिए थे। उनका बेस्ट बॉलिंग इनिंग्स 2418 था। इंडियन प्रीमियर लीग 2009 में फिर से किंग्स इलेवन पंजाब की तरह से खेलते हुए इरफान पठान ने 14 मैचेस में 196 रन बनाए थे जिसमें उनका हाई स्कोर 39 था। उन्होंने 17-4 और 6-6 हिट किए थे। गेंदबाजी में 7.74 के इकोनॉमी से 17 विकेट्स लिए थे जिसमें उनका बेस्ट बॉलिंग इनिंग्स 3435 था। आईपीएल 2010 में आखिरी बार के लिए किंग्स इलेवन पंजाब की तरह से खेलते हुए इरफान पठान ने 14 मैचेस में 276 रन बनाए थे जिसमें उनका हाई स्कोर 60 था। उन्होंने एक हाफ सेंचुरी, 21 फोर्स और 10 सिक्सेस हिट किए थे। गेंदबाजी में 9.19 के इकोनॉमी से 15 विकेट्स लिया था और बेस्ट बॉलिंग इनिंग्स 3/24 था। आईपीएल 2011 में नई टीम दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेलते हुए इरफान पठान ने 14 मैचेस में 150 रन बनाए थे जिसमें उनका हाई स्कोर 44 नॉट आउट था। उन्होंने 12 फोर्स और 6 सिक्सेस हिट किए थे। गेंदबाजी में 7.50 के इकोनॉमी से 11 विकेट्स लिया था और बेस्ट बॉलिंग इनिंग्स 3/28 था। आईपीएल 2012 में दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए फिर से खेलते हुए इरफान पठान ने 17 मैचेस में 176 रन बनाए थे जिसमें उनका हाई स्कोर 42 नॉट आउट था। उन्होंने 14 फोर्स और 6 सिक्सेस हिट किए थे। गेंदबाजी में 7.75 के इकोनॉमी से 8 विकेट लिए थे और बेस्ट बॉलिंग इनिंग्स था 2446। आईपीएल 2013 में आखिरी बार के लिए दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से खेलते हुए इरफान पठान ने 15 मैचेस में 142 रन बनाए थे जिसमें उनका हाई स्कोर था 24। उन्होंने 9 फोर्स और 3 सिक्सेस हिट किए थे। बॉलिंग में 7.44 के इकोनॉमी से 10 विकेट्स लिया था जिसमें उनका बेस्ट बॉलिंग इनिंग्स 2429 था। इंडियन प्रीमियर लीग 2014 में नई टीम सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए इरफान पठान ने 10 मैचेस में 55 रन बनाए थे जिसमें उनका हाई स्कोर 23 नॉट आउट था। उन्होंने बस 5 फोर्स हिट किए थे और गेंदबाजी की बात करें तो उन्होंने 8.66 के इकोनॉमी से 4 विकेट लिया था। उनका बेस्ट बॉलिंग इनिंग्स था 2410। आईपीएल 2015 में फिर से एक बार और एक नई टीम चेन्नई सुपर किंग्स का वो हिस्सा हुए थे जहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स ने इरफान पठान को उस सीजन एक भी मैच में मौका नहीं दिया था। आईपीएल 2016 में नई टीम राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की तरफ से खेलते हुए इरफान पठान ने 4 मैचेस में 11 रन बनाए थे जिसमें उनका हाई स्कोर 7 था। और गेंदबाजी की बात करें तो इरफान पठान ने 7.62 के इकोनॉमी से कोई भी विकेट नहीं लिया था और उनका बेस्ट बॉलिंग इनिंग्स था 0/47। 2017 में अपना आखिरी आईपीएल सीजन खेलते हुए गुजरात लायंस की तरफ से इरफान पठान ने एक मैच में सिर्फ 2 रन बनाए थे यानी कि उनका हाई स्कोर भी बस 2 रन ही था। गेंदबाजी की बात करें तो उन्हें बस 2 ही ओवर दिया गया था जिनमें उन्होंने कोई विकेट नहीं लिया था और उनका इकोनॉमी था 13.00। इरफान पठान की आईपीएल फुल करियर के बारे में बात की जाए तो उन्होंने 103 मैचेस में 1139 रन बनाए थे जिसमें उनका हाई स्कोर था 60। उन्होंने 150 लगाया था और 87 फोर्स और 37 सिक्सेस हिट किए थे। गेंदबाजी में 7.78 के इकोनॉमी से 80 विकेट्स लिया था और बेस्ट बॉलिंग इनिंग्स था 3/24। Thanks for watching. If you like the video, please like, subscribe and share.